हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हम लोगों ने एक प्लान किया है कि हम लोग आज प्रति बालाजी जाएंगे, और जो रूट हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं वो है पुणे सतारा हाईवे से होकर, और नसागुड फाटा के उधर से एक टर्न लेके हम प्रति बालाजी की तरफ हेड करेंगे। सो ये जो है वो हड़प्सर से होते हुए जा रहा है और बहुत ही प्राइम लोकेशन से होके गुजरता है। तो ये रूट काफ़ी अपने आप में ही बहुत सुंदर है और ये ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो लोग हिंजवाड़ी से या दूसरी जगह से आना चाहते हैं, वो लोग दूसरा एक्सप्रेसवे भी कैरी कर सकते हैं, जैसे बैंगलोर एक्सप्रेसवे और समथिंग, सो दे कैन ऑल्सो रीच आउट फ्रॉम देयर। बाकी आज का जो मौसम है बहुत ही औसम है, चारों तरफ बहुत ही अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं, पेड़ पौधे और काफ़ी अच्छे माउंटेन्स भी पूरे एकदम ग्रीन टर्न ऑन हुए हैं इधर से। सो एक बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है साथ में। इसके साथ ही हम लोग जैसे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग आज पिकनिक के मूड से निकले हुए हैं, कई लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं। इससे ज़्यादा मैं सनरूफ का मज़ा नहीं ले सकता। सो इस जगह की स्पेशलिटी ये है कि आप यहाँ पे दिन में आओ और कभी रात में भी आओगे तो आपको पूरा पुणे का एक बहुत ही ऑसम व्यू मिलता है ऑल अराउंड, और रात में तो इतना खूबसूरत माहौल हो जाता है, और बाकी बारिश के टाइम पे तो बिल्कुल एक तरह से यहाँ की कायाकल्प ही हो जाती है। एकदम चारों तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और वंडरफुल चीज़ें देखने को मिल रही है। और कहते हैं कि पुणे में अगर आपको कोई पास में कोई जगह जाना है जहाँ से आप ब्यूटी, नेचर और ग्रीनरी को एंजॉय कर सको तो प्रति बालाजी इज़ द बेस्ट लोकेशन। यहाँ पे एक टाइम था जब मैं स्कूटी से और बाइक से भी आया करता था, तो मुझे वहाँ तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, और तब भी मुझे एक अच्छी सी फीलिंग यहाँ पे हमेशा आती थी, और एक पॉजिटिविटी बहुत है इधर के एक रोड के ऊपर। और थोड़ा सा हमें आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ना बिल्कुल जैसे चीज़ें चेंज हो गई है, मतलब आज एक तरह से देखा जाए तो एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे जैसा माहौल है। तो यहाँ पे फ्लैग के साथ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो व्हीकल्स है वो दिखेंगे, और इसके साथ ही अगर हमने देखा जाए तो यहाँ पे एक ना ऐसा लगता है आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। रोड्स काफ़ी चौड़े चौड़े हैं और काफ़ी एक अलग ही मतलब आपको एहसास होगा कि आप एक बहुत फ्री अवे प्लेसेस पर आ चुके हैं, और जैसे आप बादलों के अंदर हैं, इस तरह की चीज़ें। सो अभी देखते हैं आगे और किस तरह की चीज़ें हैं, क्या है। सी तो इस साल यहाँ पे 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव मना था, तो आप सब जानते हैं कि फ्लैग आपको सब घरों में लगाने थे, फ्लैग होस्टिंग करनी थी इस तरह की, और काफ़ी पेट्रोल पम्प देखो तो काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा खालीपन अच्छा खासा है यहाँ पे। और रिलायंस का पेट्रोल पम्प है तो थोड़ा सा कई बार महंगा भी रहता है, थोड़ा सा कम प्राइस का भी रहता है। सो यहाँ पे शॉर्ट हॉट लिया है यहाँ पे कि थोड़ी देर रिफिल करा के आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही अच्छा ये वाटरफॉल है जो एकदम स्टार्टिंग में जैसे आप नारायणपुर की तरफ हेड करते हैं तो आपको पहले मिल जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रति बालाजी का जो रास्ता है वो एक तरह से शॉर्टकट भी है, अगर कोई पुणे बैंगलोर हाईवे टच करना चाहता है और दे वांट टू स्किप द टोल्स ऑफ कोथ रोड और इस तरह के दो तीन टोल्स और ट्रैफिक को, सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे। सो मैं यहाँ कभी महाबलेश्वर जाना होता है मुझे या कुछ
और आगे की अगर मुझे बैंगलोर भी प्लान ट्रैवल करना हो तो ये मुझे रूट अच्छा लगता है। और अब पहले ही इसकी हालत बहुत ख़राब थी रूट की, आपको बड़े बड़े पॉट होल्स और पैचेस मिलते थे यहाँ पे जो बहुत ही ख़राब थे, तो इतना टाइम लगता था ट्रैवल करने में कि जिसकी हद नहीं है। और आप चाहे बाइक से हो चाहे कार से हो, आपको बहुत टाइम लग जाता था। बट अभी कुछ नियर बाई ईयर्स में रोड्स पूरे प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड हो गए और आप आराम से बारिश में जा सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। और देखिए तो आपको एक नज़ारे इतने खूबसूरत दिखते हैं इधर के कि यहाँ पे क्लाउड्स आ रहे हैं और पूरे पहाड़ों पे क्लाउड्स आए हुए, और एकदम आपका ऐसा लग, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे हमने क्लाउड को टच भी कर लिया। यहाँ पे आगे जाके दत्ता मंदिर का टेम्पल भी है जो बहुत ही फेमस है, दत्ता मंदिर का आप सब जानते ही हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिलता है, बाकी यहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आप धीरे धीरे घाटी उतर रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स भी हैं, आप रुक के यहाँ पे थोड़ा सा फूड आइटम्स वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ में पहाड़ियों का व्यू। और आप देख ही रहे होंगे कि क्लाउड्स कितने एकदम नियर अबाउट ही आए हुए हैं और चारों तरफ से ग्रीनरी से रोड ढका हुआ है, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। और आपको यहाँ पे आप बहुत सारे वेंडर्स भी मिलेंगे जो लोग भुट्टा वगैरह खाने के शौकीन हैं उनको मिलेंगे, और बाकी गर्म चाय भी आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। सो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छा एक आपको लुक अराउंड देती है इधर का। और बाकी रॉक्स और जो भी हैं माउंटेन्स वो भी बहुत प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे क्राफ्टेड हैं, सो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और रास्ते भी एक तरह से अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सारी ग्रीनरी और बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करने के लिए। सो कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, इट्स ऑलरेडी वो 60 किलोमीटर्स फार एंड यू आर इंजॉइंग दैट काइंड ऑफ व्यू। आप एकदम नेचर के करीब आ गए हैं और नेचर के साथ आप हर एक पल अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हो, स्पेशली किड्स बहुत इंजॉय करते हैं। और जैसे कि इस गाड़ी के अंदर एक्सयूवी में सनरूफ भी था तो बच्चों ने बहुत अच्छे से सनरूफ को इंजॉय किया, दे रियली लव ए लॉट अबाउट द सनरूफ थिंग्स एंड कंसेप्ट। बट थोड़ा प्रिकॉशन रखना भी जरूरी है, सम इंसिडेंट हैपन, सो बट ऑल द वे इट इज़ गुड। सो मंदिर थोड़ी सी दूरी पे ही है, सो अभी पहुँचते हैं वहाँ पे। रोड्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं, सो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और रात में भी आप आ सकते हैं, पर ये मंदिर ऑलमोस्ट 8 बजे से लेके 5 बजे तक ही खुलता है। और ये भगवान के बारे में मैं बताना चाहूँगा, प्रति बालाजी जो हमारे जो मेन बालाजी है साउथ में, उनका एक तरह से रेप्लिका है। सो आप कह सकते हैं प्रति है तो इसका नाम प्रति बालाजी रखा गया। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उनको यूनिकनेस देती हैं। के टाइम पे जबरदस्त कीचड़ हो जाता है घर की तरफ, एकदम माहौल एकदम बारिश का हो रहा है, मस्त एकदम पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसे निकल के चलते हैं। पूरा पार्किंग ही एरिया इधर का, तो कभी भी हम बालाजी के दर्शन आ रहे हैं करने आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें मिली भी है कम्प्लीटली। और यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो आपको पूरा फूडिंग काउंटर और ये सब है, तो यहाँ पे एक तरह से प्रसादी मिलती है भगवान की। खूबसूरत गारमेंट
अंदर प्रांगण। यहाँ पे एक्चुअली कैसा है कि अंदर आप जाएंगे तो मोबाइल्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से ही मोबाइल्स वगैरह सब सबमिट करके अंदर जाना पड़ेगा। तो मैंने भी दर्शन किए थे जब कुछ अलाउड नहीं था इधर की से। उधर हाँ इधर से आप जल्दी से खेड़ा मार लो। तो अभी यहाँ से पूरी क्यू चालू हो जाती है, यहाँ से आते हैं पूरे दर्शन लाइन में देखे जरा दर्शन रास्ता जाऊँगा। और अभी आप क्राउड देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आई हुई है, तो इधर जूते वगैरह चप्पल वगैरह उतार के जाना पड़ता है। और एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक के साथ यहाँ पे चारों तरफ होता रहता है, पूरा एक भगवान का भक्तिमय वातावरण हो जाता है। सो ये मंदिर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है इसमें, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा है। और अंदर आप जाएंगे तो पूरा भगवान के दर्शन होते हैं और उसके साथ आप प्रसादी वगैरह भी ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ के देखते हैं जो यहाँ से होते हुए पूरा मंदिर के चारों तरफ से आपको घूमते हुए जाना पड़ता है इसके अंदर, आप ऐसा नहीं कि आप किसी भी साइड से। बाकी सबसे ज़्यादा जो मानसून का जो टाइम है उसके अंदर सबसे एक एनवायरमेंटल अच्छा हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल हल्की हल्की बारिश के साथ ही चल रहे हैं और बारिश बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमेशा बारिश हमेशा ऐसी नहीं रहती। और पर इस टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे दूर के पूरे एक क्लाउड्स वगैरह टच हो रहे हैं, सो एक बहुत ही सही एनवायरनमेंट हो रहा है इधर। लुक इन टू इट दर्शन आते हैं, वेंकटेश्वर भवन है और इधर से जाके जो इस वो एकदम खाने पीने का है। सो ये पूरा मंदिर का प्रांगण है, तो आप जब पूरा मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो आप इस साइड भी आते हैं। दिस इज द लुक ऑफ द टेंपल और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बालाजी का बहुत मेन स्थान है यहाँ पे, तिरुपति बालाजी की तरह ही यहाँ पे मान्यता है। सो महाराष्ट्र में कभी भी जैसे वक्त मिलता है, कभी भी थोड़ा सा सीजन्स रहते हैं या फिर कुछ अप एंड डाउन, तो लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, सब कुछ है और अभी अच्छी क्राउड गैदरिंग हुई है इधर की तरफ। सो एंड ऑल दिस थिंग्स बहुत ही सही, बहुत तो अच्छा है इधर। एकदम आप अंदर जाते हैं तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं और ये सीधा जाके मेन गेट है, काफ़ी सारे मंदिर हैं अंदर, लक्ष्मी टेम्पल है, सारे वेंकटेश्वर भगवान का काफ़ी सारे टेम्पल, काफ़ी एक अच्छा श्रद्धा है इधर की तरफ आने की। और यहाँ पे सब तरह की फैसिलिटीज़ है, पानी, ड्रिंकिंग वाटर, हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग। सो दिस मेक्स दिस प्लेस वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलीजियस बिलीवर्स एंड एवरीथिंग। और भगवान की बहुत श्रद्धा है, सो भगवान हमेशा अच्छा करते हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पे मान्यता है इन सब चीज़ों को। लेट्स ऑल्सो मेक दिस प्लेस वेरी गुड। सीजन में थोड़ी थोड़ी बारिश रहती है, थोड़ा थोड़ा एनवायरनमेंट वैसा ही है, बट अंटिल अनलेस अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम। और बहुत ही एक अच्छा भगवान का मंदिर है इधर और आप देख रहे होंगे हर तरह से। सो ये सारी चीज़ें मिलके ही इस जगह को एक यूनिकनेस देती है और काफ़ी हद तक ये चीज़ें अच्छी लगती है। तो जब भी टाइम मिले आप आइए इधर और अपने किड्स और फैमिली के साथ, और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रसाद ही मिलता है भगवान का, शुक्र कीजिए। और अगर कभी जैसे रश नहीं रहता है तो बिल्कुल भंडारा, प्रसाद वितरण सब कुछ है। बट अभी हमने सुना कि 12 बजे बाद थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हो गया था तो बंद करना पड़ा, ये तो ऑलमोस्ट रहता ही है। इसी के साथ यहाँ पे अभी बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, धीरे धीरे करके एकदम हल्का हल्का बारिश चालू हो रहा है चारों तरफ से। ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत ही अच्छा लुक्स को प्लेस बनाते हैं। और यहाँ पे पूरा चारों तरफ से गार्डन की हुई है और पेड़ पौधे भी बहुत सही ढंग से बने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं रंगोली,
ये नेचुरल रंगोली यहाँ पे सही है, और पूरा एकदम चारों तरफ से एकदम एक लश ग्रीन एनवायरनमेंट है, सो एक बहुत ही अच्छा फील आता है इधर जब भी आओ ऐसा, मतलब अगर मानसून नहीं है तब भी अच्छा फील है, और ऐसा मानसून है तब भी कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सारे भवन वगैरह से बने हैं, चलते हैं बस हम, हो गया वन एंड दिस इज़ वेरी गुड प्लेस, सो कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू कैन एंजॉय विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो और कहते हैं अभी भी है और लोग आ ही रहे हैं, और यहाँ पे कैसा है ना कि जो लोग हैं आसपास के विलेजेस से बहुत आते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इन सब भगवान के ऊपर, बालाजी का मंदिर भी बहुत पुराना है और सारी चीज़ें बहुत सही, तो कई लोग यहाँ पे भी चप्पल उप्पल उतार देते हैं, इसलिए बारिश का टाइम है थोड़ा कीचड़ वीचड़ ज़्यादा है, ऑल डेज में वेरी गुड एंड अभी क्यों बहुत ज़्यादा नहीं है तो बनाते में तो प्रॉब्लम नहीं आती, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी पार्किंग स्पेस है, ये भी दिख रही होगी आपको, तो एक ही गाइडेंस दूंगा अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो फ़ोन वगैरह अगर आप कार है तो उसमें रख के आ जाइए, बाइक वाइक की डिग्गी में रख दीजिए, उससे क्या होगा कि फ़ोन का आपको टेंशन नहीं रहेगा, फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं, और लेदर और वुमेंस के लिए लेदर पर्सेस वगैरह ये सब भी अलाउ नहीं है, सो एक तरह से वो पर्स भी नहीं कैरी करे तो बेस्ट ही है, ताकि वो आराम से यहाँ पर दर्शन कर सके। कोविड को देखते हुए बंदे ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो किए हुए हैं, सो दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिस, अगर आप देखेंगे ना आसपास में बहुत ही सही ग्रीनरी मेंटेन की गई है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे पूरा एकदम एक फॉरेस्ट जैसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे घंटों बिता सकते हैं बैठे हुए। चप्पल रखने का स्टैंड है, तो यहाँ पे जैसे अगर आपको आना है आपके पास कुछ साधन नहीं है मोबाइल को जमा कराने के, सो दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन सर, यहाँ पे एटीएम भी दिया गया है, अगर आपको कैश वैश का प्रॉब्लम हो तो एटीएम है यहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग आते हैं, बस भी आ रही है कंटिन्यू पूरे नगर मालिक वाले का, कोई इशू नहीं, मंदिर का व्यू कितना ऑसम व्यू आ रहा है, तो ये मंदिर अपने आप में ही बहुत बड़ी श्रद्धा का केंद्र है, और बहुत ही एक जगह जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पर यहाँ पे एकदम बाल देने का भी सीन है, तो मतलब जो लोग अपने तिरुपति जी के यहाँ पर बाल दान करते हैं वैसे भी पूरा और अभी जैसे हम लोग ऐसे एग्जिट हो रहे हैं तो बहुत अच्छा गार्डन भी है इधर की तरफ, सो मैंने जैसे कहा था कि आप इधर आराम से बैठ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, इन्होंने फ्रीज वगैरह सब मेंटेन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं जो इस जगह को बहुत ही खूबसूरत और सब अच्छा बनाते हैं, और धीरे धीरे चलते रहते हैं बहुत देर तक, जैसे बच्चे आ रहे हैं और फैमिली आ रही है उनके लिए तो बहुत सही है, और आपकी एक पिकनिक ही पिकनिक भी हो जाती है और भगवान के दर्शन भी आते हैं, सो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एड करती है, सो इस तरह से आप अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे आके
नेचर को भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सही एक चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो बस निकलते हैं अभी यहाँ से। ट्रैफिक को आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा है, अभी भी पार्किंग पे गाड़ी लगी जाती है। हाँ लगातार गाड़ियों का आना जाना चालू ही है अभी तक। एक तो पार्किंग स्पेस ऑलरेडी टाइट है, उसके ऊपर से अभी भी गाड़ी का आना जाना पूरा चालू है। अंदर एक तो उबड़ खाबड़ रास्ता है, सो थोड़ा सा प्रिकॉशन रख के जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपकी गाड़ी में टेंट या बम बम भी लग सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स एज वेल। अभी क्राउड चालू है और कितनी एम पार्किंग स्पेस ऑक्यूपाइड है। एक्चुअली बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है इसलिए ऑक्यूपाइड। खूबसूरत हवा, हवा को भी फील कर सकते हैं। गाड़ी इसके बाद एक के बाद आई जा रही है मेरे को। एक तरफ से तो बहुत ट्रैफिक जाम है, तो मैं इधर से ही चल रहा हूँ धीरे धीरे करके। और ही सही मौसम अगर सही हो तो बड़ा मज़ा आ जाता है आप कोई से भी ट्रिप पे जाएं। और ये एकदम पुणे के पास में ही है, सो आप बहुत ही जल्दी यहाँ पे नेचर के करीब आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें सच में ना अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो बड़ा मज़ा आता है और एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जो मिलता है उसकी तो बात ही अलग है। और इधर के नज़ारे भी देखो आप कितने सही हैं, पहाड़ और चारों तरफ पहाड़ एकदम ना क्लाउड्स टच कर रहे हैं, तो एक तरह से बहुत ही सही मौसम और एक ठंडा ठंडा सा एनवायरमेंट लग रहा है इधर। रुके नहीं और फिर बारिश तेज आ गई, तो क्या एक्चुअली ऐसा होता है कि रुक रुक के बारिश आती है यहाँ पर, तो थोड़ी देर आप खड़े रहें फिर बारिश आ गई। तो रोड बिल्कुल चिकने हो रहे हैं, सो आपको बहुत ही सही ढंग से धीरे धीरे करके चलना है, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप स्लिप हो जाए। और अभी एक्चुअली लग रहा है बारिश तेज हो रही है, तो अभी गाड़ी जहाँ पार के वहाँ से निकाल के लाना है, सो एटलीस्ट देखते हैं सर क्या है। भीड़ की शेड्स तो लग गई है, बाकी एक्चुअली ये रास्ते में भी चलते ना तो बहुत सही लगता है इधर एकदम क्लोजेस्ट है। पूरा एक तरह से मंदिर का पूरा कैंपस ही बहुत अच्छा बना हो। और ये एंट्रेंस गेट है यहाँ का भवन, तो बहुत ही सुंदर भवन और एकदम बना हुआ है, यहाँ से आप एंट्रेंस करते हैं। तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा जैसे आप कोई अलग सी कोई आइसोलेट जगह पे जा रहे हैं। अभी काफ़ी सारे होटल रेस्टोरेंट सब कुछ खुल गए और यहाँ पे फैसिलिटी भी होगी रुकने की, सो सारी फैसिलिटी ऐड हो रही है, बाकी चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जा रही है। दिस इज़ ऑल, सो आई होप आपको ये आज का दिन, आज का व्लॉग अच्छा लगा। तो बहुत सारा यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया और बहुत ही अच्छी भगवान के दर्शन हो गए और बहुत सारी चीज़ें घूमने को भी मिली और एक बिल्कुल एक क्लोजेस्ट ऑफ द नेचर के साथ हमने एक वक्त गुजारा। सो दिस इज़ ऑल, दिस प्लेस रियली एड्स वैल्यू टू अस एंड आई होप अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। Thank you for watching it and you are a